बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नुमान कयूम। तुसी देखते पाए हो गंधारा हिंको टीवी। आज दी ताज़ा खबर, मुतहिदा अरब इमारात ने स्टेट बैंक च 3 अरब डॉलर जमा कराने का ऐलान कर दिता वे, जिस दे बाद स्टेट बैंक के जखायर 11 अरब डॉलर से वज जा सुन। अबूजैबी फंड बराए तरक्की के मुताबिक रकम आइंदा चंद दिन जमा करवा दी जासी। रकम जमा कराने का मकसद पाकिस्तान की मालियाती सूरत हाल बेहतरी लियाना वे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने किया वे कि साढ़े ते कायम तमाम मुकदमात झूठे हुन ते झूठी दस्तावेजात नाल सानू धमकाया नहीं जा सकता। बिलावल हाउस से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ते आसिफ अली जरदारी की जेरे सदारत पार्टी रहनुमावां दा इजलास मुनक्किद होया, जिस 27 दिसंबर नूं बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी की तैयारियां का जायजा लिता गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 14 दहशतगर्दां की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। पाक फौज के शोबे तालुकाते आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दा फौजी अदालतों ने सजावं सुनाईया, जबकि दहशतगर्दा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपने जराइम का एतराफ किया आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने किया वे कि नैब कानूनी तब्दीली ना की गई तो सब पछता सुन। कौमी असम्बली इजहार ख्याल करते हुए साद रफीक ने किया कि प्रोडक्शन आर्डर जारी करने से स्पीकर का शुक्रगुजार हाँ। पार्लीमेंट हिला भी बालादस्त निंगी, बालादस्त होंदी तो पहले दिन प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाते। उन्होंने किया कि दौरान हिरासत नैब हुकाम का रवैया मुनासिब रहा। उन्होंने मजीद किया कि असी किसी नूं भी सलाखां दे पीछे नहीं देखना चाहते हैं। जनाबे वाला, आपके फैसले से इस पार्लिमान का वकार बड़ा है। बेहतर होता कि रवां सेशन के 6 रोज जाया ना किए जाते, बरवक्त प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाता। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दौरान हिरासत नैब काम का रवैया मेरे साथ माकूल रहा। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सच है मैं उसका जिक्र करूँगा। मुझे मालूम था कि मेरी और शायद 1-2 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद आप नैब कानून में बुनियादी तब्दीलियाँ करेंगे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी और मेरे भाई की गिरफ्तारी पर गुजारा कर लें। शबाज़ साहब पहले ही गिरफ्तार हैं, और लोगों के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने किया वे कि सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर शेल्टर होम कायम करने के हकूमती फैसले ते अमल दरामद तेज़ किया जाए। उन्होंने किया कि इस मकसद वसे आराजी की निशानदही करने की हिदायत की है। उन्होंने ज़कात कौंसल की जल्दी तश्कीलें नो करने ते वसाइल का मुस्तहकीन की फलाह बहबूद इस्तेमाल यकीनी बनाने का हुक्म दिता वे। गंधारा हिंको बोर्ड ते गंधारा हिंको अकैडमी के जेरे तमाम गंधारा हिंको बोर्ड के चेयरमैन एजाज अहमद कुरैशी की सरपरस्ती 7वीं आलमी हिंको कॉन्फ्रेंस 5-6 जनवरी को गंधारा हिंको अकैडमी पिछोड़ी जो सी। कॉन्फ्रेंस का मौजू हिंको ते हिंद आरियाई जुबाना की तरक्की ते फरोग के जरिए कौमी यकजहती का हसूल रखा गया वे। कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई सवेले 9 बजे से शुरू हो सी ते शाम तक जारी रह सी। कॉन्फ्रेंस विच अमरीका, कैनेडा, बरतानिया, मुतहिदा अरब इमारात ते तुर्की दे इलावा मुल्क दे मुख्तलिफ इलाकियां से नामवर स्कॉलर्स अपने मुकालाजात पेश कर सुन। कॉन्फ्रेंस विच हिंको मौसीकी ते मुशायरे दे प्रोग्राम भी हो सुन। इस दे इलावा तस्वीरां ते कैलीग्राफी दी नुमाइश दा भी एहतमाम किया जा सी। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई, नवी खबरां नाल वात मिलसियां। अल्लाह हाफिज।